हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अनुसर वाई 9th to 10th फ्रॉम बायोलॉजी इंस्टीट्यूट कुंवरपुरा रोड टिकम्बर MP। आप लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एंड सुरक्षित बहुत बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है हमारा अलैंगिक जनन। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। कल पढ़ा था अपन ने जनन, जनन के प्रकार। जनन के प्रकार 3 प्रकार का होता है। जनन 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और तीसरा होता है हमारा वर्धी जनन। उस जनन के प्रकार में एक प्रकार आता है हमारा अलैंगिक जनन, और इस अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या है समझाइए। वह जनन जिसमें युग्मक ना बनते हैं और ना मिलते हैं। वह क्रिया जिसमें युग्मक ना बनते हैं ना मिलते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में जो संततियों का निर्माण होता है, जो संतानों का निर्माण होता है, वो संतानें अपने जनकों के समान होती हैं। जो जनकों के समान होती हैं उन संततियों को बोलते हैं क्लोन, और उस संततियों में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को बोलते हैं हम मेमेट कहते हैं। और इस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए इसको हम एक जनकीय जनन भी कहते हैं। इसमें जनन अंग नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो अलैंगिक जनन होता है, ये अलैंगिक जनन निम्न वर्गीय पौधों जैसे ब्रायोफाइटा, शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा, इन सभी पौधों में, निम्न वर्गीय पौधों में पाया जाता है, एवं कुछ प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, नीरेरिया, ब्रायोफाइट्स, एनेरिया, इन जंतुओं में पाया जाता है, एवं इसके अलावा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एवं कशेरुकी जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है। अर्थात ये जो अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन इन पौधों एवं जंतुओं में पाया जाता है और इनमें नहीं पाया जाता है। तो हमें ये कुछ नाम एग्जाम्पल्स वगैरह याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जाता है हमारा अलैंगिक जनन के अंतर्गत इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कुछ विशेषताएं बेटा अपन परिभाषाओं में ही पढ़ चुके हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता है एक जनकीय। तो देखो पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक जनकीय होता है, अर्थात तो जो अलैंगिक जनन है ये एक जनकीय है क्योंकि इसमें एक जनक भाग लेता है। नेक्स्ट दूसरा होता है कायिक जनन। चूंकि इस जनन में वर्धी कोशिकाएं भाग लेती हैं, इनमें जो कायिक कोशिका भाग लेती है इसलिए इसको कायिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें जो विभाजन होता है वो कैसा होता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता होती है, इसमें जो पीढ़ी रेखांतरण होता है वो पीढ़ी रेखांतरण आगुणित और द्विगुणित ये कुछ जीवों में पाया जाता है, जिसका केंद्रक ट्वेन होता है वो द्विगुणित होता है, और जिसका सिंगल एन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्गुणित। तो इसमें आर्गुणित और द्विगुणित पीढ़ी का एकांतरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट होता है
संतति, इनके द्वारा जो भी संतति बनती है वो संतति हमारा जनकों के समान होती है। इसमें जो संतति बनेगी वो जनकों के समान होगी। इस प्रकार से अलैंगिक जनन की एक विशेषताएं हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है लाभ। अलैंगिक जनन के क्या क्या फायदा होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होगा कि इसमें एक जनक की जरूरत पड़ती है, दो दो की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये कैसा होता है, लाभकारी होता है। इसमें पहला लाभ होता है एक जनक होता, दूसरा विभाजन जो होता है वो समसूत्री होता। नेक्स्ट होता है अलैंगिक जनन के माध्यम से संतियां एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती हैं, अर्थात दूर तक फैलने में मदद मिलती है। नेक्स्ट होता है इसके कारण जो संतियां बनती हैं वो अधिक बनती हैं, अर्थात इससे अधिक संतानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इसके माध्यम से अलैंगिक जनन से संतानें पैदा होती हैं, अर्थात यह जनन की एक विधि मानी जाती है, इसीलिए ये हमारे इतने जे कौन है, इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जाती है हानि। इसके अंतर्गत लाभ तो है, लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट है अनुकूलन। तो इसके कारण जो भी संतानें बनती हैं वो संतानें वातावरण के अनुसार अपने आप को झेल नहीं पाती हैं, अर्थात इनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट होता है आनुवांशिक पुनर्योजन एवं विभिन्नताएं भी इसमें नहीं पाई जाती हैं। क्यों विभिन्नता नहीं होती है, इसलिए तो जनकों के समान संतान पैदा होती है। नेक्स्ट होता है विकास। चूंकि इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं, जनकों के समान संतान होती रहती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रत्या हानियां बोलती हैं, अर्थात इसमें विकास नहीं होता है। नेक्स्ट होता है प्रकार। अलग जनन के प्रकार बताना है इनको। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है प्लाज्मोटोमी द्वारा, तीसरा होता है मुकुलन द्वारा, चौथा बीजाणुओं द्वारा, नेक्स्ट होता है गेम्यूल द्वारा और नेक्स्ट होता है खंडीभवन द्वारा। अब विखंडन क्या कहलाता है उसको समझ लेते हैं। विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजियन कहते हैं, अर्थात बिखर जाना। विखंडन का मतलब होता है बिखर जाना। तो वह क्रिया जिसमें जीव शरीर एक या एक से अधिक भागों में टूट जाता है, एक से अधिक भागों में बिखर जाता है, उसको अपन विखंडन कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीवों में ये दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन का मतलब होता है शरीर दो भागों में बंटता है। ये निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है सरल या अनियमित। इस विखंडन में शरीर जो होता है किसी भी भाग में बढ़ जाता है, किसी भी तरीके से बढ़ जाता है, अर्थात इसमें किसी भी तरीके से दो भागों में बंटता है, उसे बोलते हैं सरल या अनियमित कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिंपल कहते हैं। एग्जाम्पल होता है अमीबा। नेक्स्ट दूसरा होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ उसे कहते हैं इसमें जीव शरीर अनुप्रस्थ रूप में क्या होता है, आगे बढ़ता है, अर्थात अनुप्रस्थ रूप में एक से दो भागों में बट जाता है। एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम एवं जीवाणु। तीसरा प्रकार होता है लंबवत। इसमें जीव शरीर लंबवत रूप में खड़े रूप में बढ़ता है और दो भागों में बट जाता है, इसको बोलते हैं लंबवत। इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। एग्जांपल होता है एगुलिना। चौथा होता है तिर्यक। इसमें जीव शरीर तिरछा कट जाता है, अर्थात तिरछा दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसको इंग्लिश में ओब्लिक कहते हैं। एग्जांपल होता है सेरेशिया। दूसरी हेडिंग होती है हमारी बहुविखंडन।
बहुविखंडन वह विखंडन जिसमें शिव शरीर एक से अधिक भागों में बढ़ता, दो से अधिक भागों में बढ़ता, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुविखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, यूक्लिना आदि। दूसरा प्रकार होता है हमारा प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी द्वारा एग्जाम्पल होता है ओपेलाइना। प्लाज्मोटोमी में जीव शरीर कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। दूसरा होता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन विधि में जीव के शरीर के ऊपर छोटा सा उभार बनता है ऐसा, और वो उभार अनुकूल परिस्थिति में उस शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर के नए शरीर का निर्माण कर लेता है, उसे हम बोलते हैं मुकुलन। एग्जाम्पल होता है साइटोम। ये दो प्रकार का होता है, बहिर्जात और अंतर्जात। नेक्स्ट चौथा है, चौथी हेडिंग होती है, चौथा प्रकार होता है इसका बीजाणुओं द्वारा। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पोरो, स्पोर्स कहते हैं। बीजाणुओं को इंग्लिश में स्पोर कहते हैं। और बीजाणुओं द्वारा कैसे होता है? इस बीजाणुओं में छोटी छोटी इनके शरीर के ऊपर गोल संरचनाएं बन जाती हैं, और गोल संरचनाएं आगे जब अलग हो जाती हैं और नया शरीर बना लेती हैं, उसे बोलते हैं बीजाणुओं द्वारा। एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट पांचवा होता है गेम्यूल द्वारा। इस गेम्यूल द्वारा इसमें जो गोल संरचनाएं होती है पूरी बड़ी डबल लेयर की हो जाती है, तो उसको बोलते पर गेम्यूल। एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जिला। छठवीं हेडिंग होती है, छठवा प्रकार होता है इसका खंडी भवन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है खंडों में टूटना। इसमें शरीर खंडों में विखंडित हो जाता है और टूट करके नए शरीर का निर्माण कर लेता है। एग्जाम्पल होता है प्रोटोजुआ। इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन होता है, इस अलैंगिक जनन में परिभाषा बतानी है, विशेषताएं बतानी हैं, और लाभ और हानियां बताते हुए इसके हमें प्रकार बताना है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी बच्चों को अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन हो जाते हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। नोट्स बनाते चल रहे हैं सब बच्चों को, और हर दिन नोट्स बनाना है, हर दिन ऑनलाइन क्लास लेनी है, और हर दिन सभी बच्चों को ये जो वीडियो मिल जाती है आप लोगों को यूट्यूब पर, तो उस वीडियो को देखते रहना है, अच्छी तरीके से समझना है, दो दो बार समझिए और नोट्स बनाती रहिएगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से तैयारी करें सब लोग। इसके बाद में जैसे वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसके बाद में बच्चों को भी शेयर करना है, उनको इसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच।